हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? और आज है ससुराल में तीसरा दिन और घर जाने का दिन। तो आज हम लोग जा रहे हैं घर। मैंने सोचा चलिए घर जाने से पहले जो है वीडियो कर देते हैं और आप लोग को दिखा देते हैं कि क्या चल रहा है आज। तो काव्य के पापा का है अभी स्कूल और मतलब ड्यूटी है आज, तो बोल रहे हैं कि जल्दी से चलेंगे 10 बजे के पहले। अभी बज रहा है 8 और जस्ट सो के उठे मतलब थोड़ा टाइम हो गया है। तो चाची बना रही किचन में नाश्ता, तो जाती हूँ मैं भी हेल्प करने। मैंने सोचा कि चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं और फिर कंटिन्यू रहेंगे घर जाते तक के। तो ये देखिए नज़ारा काफ़ी सुंदर हो रखा है और जैसे कि आपको पता है ये बहुत सुंदर सा एक जगह है और जगह का नाम जो कि नहीं बताऊँगी और बहुत सुंदर सा है। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ आकर के, एकदम शांति भरा और जो कि माहौल है यहाँ का। और सभी अभी आप लोग जो है सब लोग सो रहे हैं, मैं उठी हूँ, चाची उठी है बस, चाची सास मेरी। तो चलिए मैंने सोचा जाने से पहले जो है एक बार दर्शन करा देती हूँ आप लोग को ये नज़ारा का। तो जो कि यादें हैं वो भी ले जाते हैं साथ में और यहाँ का। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोग को बैक कैमरे से जो कि घर है उसे भी और जो चाची क्या कर रही है उसे भी। ये देखिए और आप लोग कैसे लग रही जरूर बताइएगा। गाइस ये है मेन गेट सामने का और यहाँ से होता है इंटर। ये हमारा गाड़ी खड़ा हुआ है यहाँ पर साइड में और इधर आप देख सकते हैं ये है पूरा बाड़ी। काफ़ी बड़ा बड़ा पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये आप देख सकते हैं आम का पेड़ है ये। और इधर साइड पर आप देख सकते हैं ये भी आम का ही पेड़ है बड़ा बड़ा सा। और इधर पूरा जो हो रखा है गार्डनिंग काफ़ी सुंदर है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक के है। और ये अभी फ़िलहाल छोटे छोटे क्यारी बनाए गए हैं जिसमें कुछ वेजिटेबल्स मेरी ननन जो है उगाई हुई है। तो अभी तो ग्रोथ नहीं हुआ है, जब ग्रोथ होगा वो बोल रही थी कि मैं वीडियो भेजूँगी तो आप ऐड कर देना। तो देखते हैं कब तक ग्रो होती है, थोड़ी थोड़ी निकल रही है, आप लोग को दिख भी रही होगी हल्की हल्की सी। तो ये काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है और आप लोग को दिखाती हूँ इधर भी क्या सुंदर हो रखा है। आना चाची, चाची को बुला लेती हूँ। और ये आप देख सकते हैं इधर इस तरीके से है और यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा प्राकृतिक सौंदर्य है, इतना अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। और यहाँ एक छोटू सा रोज़ खिला हुआ है, मैंने सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ, छोटू सा एकदम छोटू सा ऑरेंज कलर का। इसमें पता नहीं कौन सा कलर लग रहा है आप लोग को, ये है ऑरेंज कलर। वाह कितना प्यारा है ना। तो बहुत सुंदर गार्डनिंग है और ये देखिए वीडियो देखा। और यहाँ देखिए बच्चे कुछ ऐसे सोए हुए हैं, अभी आ गए हैं अंदर और दिखाती हूँ चाची क्या कर रही है। यहाँ सब सोए हुए हैं, ये देखिए यहाँ भी सोए हुए हैं। ये बन रहा है बड़ा, मैंने कहा था ना कि कल बड़ा बन रहा था रात को, पर कल हम लोग ने कहा कि नहीं आज नहीं खाते रात में, काफ़ी टाइम हो गया था। तो अभी बन रहा है बड़ा उड़द दाल का, ये देखिए। तो चलिए बनाते हैं बड़ा। तो चलिए फ्रेंड ये बन रहा है बड़ा। आप लोग को तो पता है बड़ा कैसे बनता है, उड़द दाल है उसे 8 घंटा कम से कम भिगो दिए थे, उसके बाद उसे पीस दिए हैं मिक्सी के जार में, वो भी दरदरा। और दरदरा पीसने के बाद उसमें मिक्स किए हैं प्याज, हरी मिर्च, धनिया, नमक जो भी है, जो भी आप डालना चाहते हो, खड़ा धनिया भी डाल सकते हो। तो सब चीज़ें डालने के बाद ये यहाँ बन रही है बड़ा, बड़ा बड़ा साइज का देख सकते हैं आप, तो इसलिए बड़ा है। तो और बड़ा को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब थोड़ा नहीं काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इसे धीमी आँच पर अच्छे से फिर पूरा सेकना होता है। अगर आप तेज़ आँच पर एकदम अच्छे से सेक दोगे तो अंदर से कच्चा हो जाता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो बड़ा जो है कुरकुरा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए बढ़िया से बनता है, पास से दिखाती हूँ। और रात में जो है केक वगैरह बनाया ना तो काफ़ी लेट हो गया था, इस तरह से बड़ा को कर दी थी पोस्टपोन, क्योंकि सुबह बनाना है नाश्ते वगैरह के, और बस नाश्ता करके निकलना है घर। तो ये देखिए बन रहा है ना बढ़िया से, आज खाना है। मतलब किसी और के हाथ खाने का अच्छा मज़ा ही कुछ और होता है, खुद बनाओ खाओ तो अलग लगता है।
पर आज देखिए मेरी सास बना रही है, वो भी मेरे लिए। हंसी आ रही ना आप लोगों को? तो देखिए बन रहा है बढ़िया से। और उधर मिक्सी के जार में रख गया है मिर्च, धनिया और लहसुन, नमक, टमाटर सब कुछ डाल के उसे पीस देंगे खाने के टाइम पर चटनी। तो चटनी और बड़ा आज का नाश्ता। और ये यहाँ चाची पीस दे रही है टमाटर की चटनी, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से चटनी पीसा हुआ। तो ये देखिए बड़ा जो है सीख रहा है बढ़िया से और एकदम सुंदर कलर दिख रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है उड़द दाल का बड़ा जो होता है, आप देख पा रहे हैं कलर कितना अच्छा लग रहा है। चाची हो रही बहुत सुंदर दिख रहा है। और इधर साइड पे चढ़ा दिए चाय, तो चाय पीते हैं उसके बाद खाएंगे हम लोग बड़ा। अच्छा लग रहा है ना सुबह सुबह बड़ा का जो है ब्रेकफास्ट, और मौसम भी ऐसे हो रखा है एकदम से पानी गिरने वाला, तो सोच रहे हैं कि जल्दी ही निकल जाए सुबह सुबह। और ड्यूटी भी जाना है कावे के पापा को। तो ये देखिए ऐसे ही सारे बड़े को जो है बना के कर लेके तैयार, और बच्चों को उठाना है फिर चलना है बस। तो चलिए फ्रेंड नाश्ता बन गया है, काव्या के पापा को दे देती हूँ मैं नाश्ता जब तक कि मैं रेडी हो जाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं भी नाश्ता कर लूँगी। तो चलिए चलते हैं रेडी होने। फ्रेंड हो गया है रेडी घर जाने के लिए, देखिए तैयार हो गए हैं, चलिए नाश्ता करते हैं और निकलते हैं घर। तो बस गाड़ी में जाना है, कंघी वंघी कुछ नहीं किया, कपड़ा पहना है बस, हो गया। तो अभी कर रहे हैं नाश्ता सब लोग, दिखाती हूँ आप लोग को, और फिर निकलते हैं जल्दी से घर। और यहाँ सब लोग कर रहे थे नाश्ता, जो कि लाइट की थोड़ी सी कमी थी इस कारण से इस तरीके से थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक आया हुआ है। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग बस निकलने वाले हैं, और देखिए मेरे ननन लोग कैसे बाय कर रहे हैं। बाय श्रीयान, बाय काव्या, बाय लिल्ली चाचा का। तो चलिए बस निकल पड़े हैं घर के लिए, और सुबह सुबह का टाइम काफ़ी अच्छा लगता है, ये आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ दो दिन गुजारे, बहुत अच्छा लगा, और यहाँ आके तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हरियाली बहुत अच्छी है यहाँ। और आप लोग को भी लगा होगा कि सच में हरियाली बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आके। और आप देख सकते हैं पूरी तरफ हरे हरे दिख रहे हैं, अभी जो कि बारिश का मौसम है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बाबू काफ़ी रो रहा था, वो बोल रहा था कि मुझे नहीं जाना है, मुझे वहीं रहना था, क्योंकि उसे झूला और बहुत ज़्यादा पसंद है ना इसलिए। तो अभी आपको दिखाती हूँ बाबू क्या कर रहा था। तो ये देखिए नज़ारे कुछ ऐसे काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, और दिखाती हूँ आपको बाबू को कि क्यों बोल रहा था नहीं जाना है घर। जाना है कि नहीं बाबू घर? जाना है? तू नहीं जाऊँगा बोल रहा था? तो फ्रेंड बाबू बोल रहा था कि घर नहीं जाना है उसे, और चलिए निकल पड़े हैं, पहुंचने वाले हैं 10 मिनट में। और ये देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं, मतलब यहाँ का तो आप लोग को मतलब दिखाई ही जाते समय, तो बहुत सुंदर है। बस 5-10 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब वो हमारे गाँव से जो है 20 मिनट का रास्ता होगा, 20-25 मिनट। चलिए घर पहुंचने के बाद मिलते हैं, रास्ते में है, मैंने सोचा बात कर लेते हैं आप लोग से। और बाबू बोल रहा है कि नहीं जाना था आप लोगों के कारण जो है जा रहा हूँ मैं। तो हम लोगों ने कहा कि तुमको रहना है तो रहो, पर वो कहाँ रहेगा, बस ऐसे ही कहा था। तो तो बस फ्रेंड थोड़ी दूर बची है घर, बस पहुंचने वाले हैं। आज का व्लॉग कैसे लगा, और ये जो मेरे ससुराल का लास्ट व्लॉग था, इसके बाद कोई व्लॉग नहीं आएगा ससुराल का। तो बस हम लोग घर वापस आ गए हैं, और इसके बाद जो है घर का ही वीडियो बनेगा। तो चलिए यहाँ पर जो हो गया था जाम, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।